my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels. Hey guys, welcome back to our channel. आई होप यू ऑल आर वेल. और आप सब ने केदारनाथ के ब्लॉग्स को देख लिए होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन ब्लॉग्स को देखो, वो बहुत ही अच्छे हैं. मैं कभी केदारनाथ नहीं गई, बट हाँ उन ब्लॉग्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने भी एक वर्चुअल टूर कर लिया है केदारनाथ का. तो आप भी बताना कि कैसे लगे आपको वो ब्लॉग्स. और मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी. मैंने ना कुछ दिन से अपने ना स्किन के साथ एक चीज़ न्यू चीज़ ऐड करी अपने स्किन के रूटीन में. तो मेरे ना फेस पे एक डेढ़ साल से, आई गेस दो साल से, मेरे को ना स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे थे. तो एक्ने प्रॉन स्किन बन चुकी थी. वो पिंपल नॉर्मल है, सबको होते हैं, मुझे पहले भी होते थे. बट क्या था, एक पिंपल हो गया, वो दो तीन दिन बाद बैठ गया, ठीक हो गया. हर महीने कुछ ना कुछ हो जाता था, बट वो नॉर्मल था. बट इस बार अभी एक डेढ़ दो साल से क्या हो रहा था, पिंपल होते थे, एक हुआ, दूसरा हुआ, वो ठीक होने से पहले ही तीसरा, चौथा, मतलब पूरे ये जो स्किन है ना, ये पूरी स्किन पिंपल से भर चुकी थी. डर्मा के प्रोडक्ट सर्च करे, जब मैंने काफ़ी सारे सर्च करे तो उसमें मुझे डर्मा का ठीक लगा. मुझे लगा कि ये शायद स्किन पर वर्क कर जाएगा. तो जो उसके सीरम आते हैं वो मैंने ऑर्डर करके मंगाए, दिखाती हूँ. ये ऐसी बॉटल्स होती हैं, ये दो बॉटल मैंने मंगाई. एक थी एक्टिव एक्ने के लिए, जैसे जो एक्टिव एक्ने होते हैं उन पे लगाने के लिए, और दूसरा था जब एक्टिव एक्ने बैठ जाता है तो उसके माँ. फिर मैंने ये ऑर्डर करा, जैसे 2% सैलिसिलिक एसिड है, यू कैन सी. तो ये एक्टिव एक्ने के लिए है, इस पर लिखा हुआ है, इसमें पता है विच हेजल एंड विलो बार के, मुझे नहीं पता था ये क्या है, बट जब मैंने इंदौर के पास सर्च किया तो ये सिर्फ एक्ने पे काम करता है और आपके स्किन का टेक्सचर बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा. जैसी स्किन है वैसी ही रहेगी, ग्लोइंग है तो ग्लोइंग रहेगी ना, उसको ड्राई करेगा. अगर आपके नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगी, ऑयली भी नहीं करेगा. तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करके मंगाया. और ये डे और नाइट दोनों में आप लगा सकते हो. मुझे ये ना सीरम में इसलिए चाहिए था क्योंकि जो क्रीम होती है ना, क्रीम बहुत थिक होती है और वो बहुत देर से, थोड़ा सा देर से काम करती है. जो सीरम होते हैं वो डायरेक्टली स्किन में जाते हैं और जल्दी काम करता है. और मैं दिन में दो बार यूज़ नहीं करती थी, इसमें लिखा है कि दो बार यूज़ करो, बट सीरम है और मेरी स्किन सेंसिटिव है तो डायरेक्टली स्किन के अंदर जाता है. तो मुझे डर था कि ऐसा ना हो, ये ओवर रिएक्ट करे. मेरी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्ट की आदत नहीं है तो, और ये न्यू था मेरी स्किन के लिए, तो इसलिए मैंने ना ये एक दिन में एक ही यूज़ करती थी और ऑल्टरनेट डेज. और ये दोनों बॉटल्स अराउंड मुझे 6-7 महीने हो गए यूज़ करते हुए और मेरे स्किन पे अब तो मुझे पिंपल की इशू नहीं हो रही है, बल्कि मार्क्स भी चले गए हैं. एज यू कैन सी ये एक दो मार्क है, ये वो बहुत लाइट हो गए हैं, तो ये भी आई होप चले ही जाएंगे. लड़के भी इसे यूज़ कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डिटेल शेयर कर दूँगी, आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं. ठीक है. गाइस ब्रेकफास्ट टाइम तो ऑलरेडी निकल चुका है और लंच में भी काफ़ी देर है, तो अभी टाइम है ब्रंच का. तो मैं बना रही हूँ सब्वे वाली पेटी घर पे. पनीर मैंने मैरिनेट करके रखा है स्लाइस पैटी बनाने के लिए. पैटी तो हो गई रेडी, अब मैं लूँगी उसके साथ आइस टी. ये ना मिस मार्वल की सीरीज़ मुझे देखनी है. ये पाकिस्तानी कैनेडियन एक्ट्रेस की है, कई बार देखा मैंने इसे डिज्नी पे, बट अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला देखने का. तो प्लान कर रही हूँ कि आज या फिर इस कमिंग वीकेंड पे देख लूँ. अच्छा ये सब छोड़ते हैं, ऑफिस का टाइम हो गया मेरा. और अच्छा मेरा ना माउस पैड ख़राब हो गया था तो वो मैंने हटा के फेंक दिया, और उसकी जगह आज जब मैं ना ये कर्सर ना काम नहीं कर रहा था बिना माउस पैड के, तो उस टाइम यहाँ पे ये पड़ा था किया का फ्लैम्बेट, तो मैंने ये रख लिया जुगाड़ू.
यस वी इंडियन आर जुगाड़ू. जब बच्चों के कपड़ों में जो टैग्स आते हैं वो मुझे बहुत क्यूट लगते हैं. अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि ये वेलवेट वाला कपड़ा होगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया ऑर्डर करते टाइम. बट स्लीव्स हाफ हैं, बाकी तो फैब्रिक सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है. एक्चुअली ना यायरू के पास कोई भी ब्लैक ड्रेस नहीं थी एक भी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ड्रेस है उसके लिए एक ब्लैक ड्रेस ऑर्डर करी है. नेक्स्ट स्पेशल डे पे यारू यही पहनने वाली है. अच्छा सिर्फ एक बार अंदर से कपड़ा और चेक कर लूँ क्योंकि ये बहुत दिक्कत रहती है. एक बार मैंने ड्रेस मंगाई थी वो साइड से चुभ रही थी. ये सॉफ्ट है, साइड से भी सॉफ्ट है, फैब्रिक अच्छा है. बच्चों के कपड़े बहुत महंगे आते हैं. चेरी क्रम्बल का है ये, कैलिफोर्निया. फर्स्ट क्राई पे ब्रांडेड कपड़े भी अवेलेबल होते हैं. अच्छा ब्रांड है फर्स्ट क्राई से. मैंने ये के लिए बहुत ही शॉपिंग करी है, बहुत ही मुझे ये ड्रेस अच्छी लग रही है, बट उसे पहना के देखूंगी. यारू कैसी लग रही है ये? हाँ यारू कैसी लग रही है? यारू बैली कैसी है? बैली कैसी है? हाँ यारू यारू बैली कैसी है? इसने ना जब से भी समझ आ रही है ना पहली बार ही पहनी है तो समझदार हो गई. हाँ यारू चलो 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 समझ गई. चल नहीं चलो आ जा चलो आ जा यार इधर को चलो आ जा. पैर उठ नहीं रहा इससे अभी. चल चलो यारी चलो चलो. यारू यारू नई चप्पल कैसी लग रही है? बैलेंस कैसी लग रही है? नहीं यारू ये ले. रुक जा. क्या
खाना, पराठा खाना है। यारू यारू यार आ आ करो आ यार, फिर से करियो नहीं। ए जा।